नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शिवपुरी जिले के कोतवाली थाने के थाना प्रभारी द्वारा एक पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप पत्रकारों द्वारा लगाए गए हैं, जिसकी शिकायत आज पत्रकारों ने एसपी को ज्ञापन के माध्यम से की है। पत्रकार धर्मेंद्र जाटो ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने कोतवाली थाना TI को फतेहपुर क्षेत्र में स्मैक बिकने की सूचना दी, जिस पर कोतवाली TI ने कार्यवाही नहीं की, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से करने की बात कही, जिस पर थाना प्रभारी द्वारा उन्हें थाने पर बुलाकर अभद्र व्यवहार किया, जिसकी शिकायत आज पत्रकारों ने SP से करते हुए मामले में कार्यवाही की गुहार लगाई है। धर्मेंद्र जाटा, समाचार नेशन, जिला इंद्रजीत सिंह। क्या है पूरा मामला? मामला ये था कि TI कोतवाली जो रोहित दुबे जी है, उन्होंने मुझे किसी आरक्षक के माध्यम से फ़ोन लगवाया था। फ़ोन लगवाकर उन्होंने मुझे बुलवाया था। मैं सिटी कोतवाली वहाँ पहुँचा तो जो महिला थाने के जो पास में है वहाँ उन्होंने बुलवाया, और वहाँ पर जो पार्षद भी बैठे हुए थे उनके सामने TI कोतवाली जो रोहित दुबे जी है, उन्होंने मुझे अभद्रपूर्ण व्यवहार किया, गाली दी और मुझसे ये कहा कि तू इस प्रकार की खबर प्रकाशित सिटी कोतवाली के बारे में क्यों छापता है। तो मैंने ये कहा, सर श्रीमान जी, मैं एक पत्रकार हूँ, एक जर्नलिस्ट होने के नाते मुझे खबर प्रकाशित करना ही होता है और करूँगा मैं। तो उन्होंने ये कहा तो उसका दिखाई है जो करना। किस तरह की खबर छापी थी आपने? मैंने इस मैक के ओवरडोज की वजह से एक लड़के की मृत्यु हुई थी फतेहपुर में, वीरेंद्र प्रबंसी जाटक की। तो मैंने एक खबर छापी थी सिटी कोतवाली के खिलाफ, तो उन्होंने लगा, मैंने उनको कई बार सूचना भी दी थी फोन के माध्यम से कि सर इसमें खुलेआम बिच रही है शुक्री में, सर इस पर कायम रखो और इन जो बेच रहे हैं उन पर बिचौली है उन पर सर काबू करो, उनको पकड़ो। तो TI कोतवाली ने कोई रिस्पांस नहीं दिया किसी प्रकार का। फिर उन्होंने मुझे बुलवाया और मेरे साथ में आपत्तिजनक टिप्पणी की, जाति सूचक गालियाँ तो उन्होंने नहीं दी, पर उन्होंने मुझे डराया धमकाया कि पत्रकार होने के नाते। इस विषय में मैंने आज SP साहब को आवेदन दिया है। किस तरीके से डराया था आपको? डराया था, उन्होंने बताया, धमकाया था मुझे कि तू आज के बाद ये खबर नहीं लगाना, और दो पार्षदों के सामने किसी पत्रकार को इस तरीके से लगाना ये गलत है। SP ने क्या आश्वासन दिया आपको? आपने आश्वासन दिया है कि मैं इसकी जांच करवाता हूँ, जहाँ जो भी होगा मैं TI कोतवाली के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश तो दिए। उन्होंने ये कहा कि यदि पाए जाएंगे तो बिल्कुल कार्रवाई होगी, ये आश्वासन दिया। सर, ये SP साहब को ज्ञापन दिया है आपने, क्या मामला था और क्या आश्वासन दिया है आपको? देखिए, जम के हमने आज जमकर के लिए ज्ञापन दिया गया है करीब 20-25 पत्रकारों के माध्यम से। ये पत्रकार हैं धर्मेंद्र जाटव करके, तो इन्होंने कोई खबर प्रकाशित की है, उस खबर में स्मैक को लेकर की थी, कोई घटना भी घटी थी शायद उनके क्षेत्र में कोई उधर, तो किसी आरक्षक के माध्यम से कोतवाली TI ने इनको बुलाया और वहाँ पर जाके इनको डराया धमकाया। अगर इस तरीके की खबरें चलाएं तो ठीक नहीं होगा। इस तरीके से आज हम पत्रकार संगठन के माध्यम से हमने SP को ज्ञापन दिया, और आगे चाहे अगर ऐसा कुछ होता है तो हम बड़े स्तर से इसको इसमें धरना भी करेंगे, और अगर ऐसी हमारे पत्रकारों के साथ कोई घटना घटेगी तो लगातार हम उनके हाथ में खड़े हैं। क्या आश्वासन मिला है सर आपको? देखिए, SP साहब ने कहा है हम निष्पक्ष रूप से इसकी जाँच करेंगे, जो भी होगा उसमें आगे चलते हैं। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।